कृष्ण नाम अर्थात कृष्ण का भजन, या यूं कहे कृष्ण के मंत्र का जप। जी हाँ, कृष्ण नाम के जप का क्या फल है, आइए देखते श्रीमद् भागवत पुराण में क्या लिखा गया है। कृष्णोति मंडल नाम यस्य वाचि प्रवर्तते भस्मी भवन्ति सिद्धस्तु महापात ककोटरे सर्वेषामपि यज्ञानां लक्षानि वृत्तानि च तीर्थस्नानि सर्वाणि तपास्य नश्नानि च वेदपाठ सहस्त्रानि पादशीन्यं भुवशतं कृष्णनाम जपस्य स कलां नहन्ति षोडशीं। अर्थात श्रीमद् भागवत पुराण के छठे स्कंद के दूसरे अध्याय के अनुसार जिसकी जीवा पर कृष्ण कृष्ण यह मंगलमय नाम नित्य करता है उसकी कोटि कोटि महापात कराशि तत्काल भस्म हो जाती है। सारे यज्ञ, लाखों व्रत, सर्व तीर्थ स्नान, तप, अनेकों उपवास, हजारों वेद पाठ, पृथ्वी की सैकड़ों प्रदक्षिणा केवल कृष्ण नाम जप के 16वें हिस्से के ही बराबर नहीं हो सकते। अर्थात कृष्ण, प्रभु श्री कृष्ण एक अटूट शक्ति है। इसलिए अगर आप कृष्ण के भक्त हैं, अगर आप प्रभु श्री नारायण के भक्त हैं, तो आप हरे कृष्णा का भी जाप कर सकते हैं या ओम श्री कृष्णाय नमः का भी जाप कर सकते हैं। कृष्ण के मंत्रों में वो शक्ति है कि आपके जीवन की हर समस्याओं का निवारण कर सकते हैं। अब मंत्र जप आपको करना कैसे है, ये मैंने आपको पहले ही बताया है। समक्ष आप घी का दीपक या तिल के तेल का दीपक जला के रखें, संकल्प ले, प्रभु का आवाहन करें। सबसे पहले आवाहन होता है, आवाहन के बाद होता है संकल्प। आप अपने संकल्प बताएं, मैं किस हेतु आपका आवाहन कर रहा हूँ, उन्हें बताएं आपकी परेशानी। लेकिन परेशानी अटूट होनी चाहिए, सत्य होनी चाहिए, किसी का नुकसान ना हो उससे। उसके पश्चात आप कृष्ण नाम का जप आरंभ करें या उनके मंत्र का जप आरंभ करें और संकल्प के अनुसार आप नित्य समय पे रोज जितने मंत्र, एक माला, तीन माला, पांच माला, सात माला, नौ माला, ग्यारह माला, जो भी आपका संकल्प है उतने मंत्र, उतनी माला का जाप आप रोज नित्य करें। आप देखिएगा आपकी हर परेशानी दूर होती चली जाएगी। संभव हो तो पूर्णिमा के दिन या अमावस्या के दिन हवन अवश्य कर दें एक बार। बस इतना ही करना है मित्रों आपको। जीवन में हर समस्या का उपाय है कृष्ण के इस छोटे से मंत्र में। जी हाँ, कृष्ण का मंत्र उपाय भागवत पुराण अनुसार सटीक उपाय है। ट्राई करके देखिए।